Hi, myself Dr. M.S. Siddiqui, as a sexologist. जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्सोलॉजी एक ऐसा डिवीजन है जहां पर हम सेक्स विषय पर उपचार करते हैं, और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ISSM यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन नीदरलैंड का रिसर्च मेंबर हूं। मैं साउथ इंडियन सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन कर्नाटका का रिसर्च मेंबर हूं। IAS इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेक्सोलॉजी का मेंबर हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे हर्बल मेडिसिन के रिसर्च के साथ हमने आपको एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जिसमें हम सेक्स समस्याओं का निराकरण करते हैं। इन दवाओं का किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और आप पूरी तरह से इन दवाओं का उपयोग करके सेक्स से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हर शख्स, हर नौजवान पूरी तरह से सिगरेट स्मोकिंग करता है, धूम्रपान करता है, मदिरापान करता है, ड्रग्स लेता है, साथ साथ में टोबैको ड्रिंक्स करता है, जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअल लाइफ हैम्फर्ड करती है और उसकी सेक्सुअल लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे नौजवानों को लिंग में तनाव ना आने की समस्या यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। किसी किसी नौजवानों में शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजेकुलेशन यानी संभोग के दौरान वीर्य का जल्दी निकल जाना, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से स्वयं संतुष्ट नहीं हो पाते और अपनी महिला साथी को भी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। शीघ्र पतन नौजवानों की आम समस्या है। साथ साथ में बहुत सारे नौजवानों में देखा गया है कि नौजवान आजकल च्युइंग गुटखा मसाला ये सारी चीजें खाते हैं, जिनकी वजह से उनका स्पर्म काउंट काफी हद तक कम हो रहा है। स्पर्म की क्वालिटी डिस्टर्ब होने की वजह से उनको टिराइटो स्पर्मिया यानी स्पर्म के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, स्पर्म का आकार डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बच्चा प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे नौजवान नील शुक्राणु होने की वजह से बच्चा प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए भी हमारे पास समाधान है। वो स्पर्म डोनर की सहायता से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हर नौजवान परेशान सा है, आंखों में जलन, दिल में तूफान सा है। आइए इन परेशानियों को हम दूर करें। हमारा निशा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर आपका स्वागत करता है, जो पूरी तरह से आपकी सेक्स संबंधित बीमारियों और व्याधियों को दूर करने का आपको भरोसा देता है। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ, जहां पर मैंने ये प्राप्त किया कि पूरी तरह से हम सेक्स लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। कभी कभी नौजवानों में हार्मोन का रेशियो, सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से उनके अंदर लिबिडो, लैक ऑफ लिबिडो यानी सेक्स करने की इच्छा में कमी आ जाती है, और वो पूरी तरह से सेक्स नहीं करना चाहते या सेक्स के लिए उन्हें उत्थान यानी लिंग में तनाव नहीं होता। ऐसी समस्याएं देखने को मिली है, तो पूरी तरह से आप निराश ना हो। आप हमारी ऑनलाइन सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। हमारा निशा हेल्थ केयर आपको किसी भी प्रांत में रहकर आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज देता है, जिसमें आप हमसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी की सहायता से आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, और साथ साथ में आप मेडिसिन कोरियर फैसिलिटीज के द्वारा आप अपनी दवा अपने पति पर भी मंगा सकते हैं, जिससे आपकी समस्या पूरी तरह से दूर हो सके और आपके जीवन में एक हर्ष उल्लास आ सके और आपकी जिंदगी एक बेहतर हो सके। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सेक्स इज नॉट अ टैबू टुडे। सेक्स पर हम खुलकर बात करें। सेक्स अब ऐसा विषय नहीं रहा जहां पर हमें संकोच ही रहेगा। आप ऐसा कदापि ना सोचें, आप खुलकर बात करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समस्याएं साइकोसेक्सुअल होती हैं, यानी आपकी सेक्सुअल मिथ यानी आपके दिमाग में कोई ऐसा भ्रम है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हैं। सपोज कभी कभी लोगों में हस्तमैथुन की वजह से समस्या उत्पन्न होने लगती है, उन्हें लगता है कि उनके लिंग का साइज छोटा हो गया है, या उनका लिंग टेढ़ा हो गया है, या उनका लिंग बहुत ही ज्यादा औसत से कम है, जिसकी वजह से वो बेहतर संबंध नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। जब एंजाइटी यानी घबराहट पैदा होती है तो वह आपकी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से भी आपका इरेक्शन नहीं हो पाता, जिसे आप इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। और परफॉर्मेंस एंजाइटी में लोग सेक्स नहीं कर पाते, आपको अकेले में लिंग में तनाव आता है, लेकिन जब आप पार्टनर के पास जाते हैं तो आपके पेनिस में तनाव नहीं आता। ऐसी भी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो हम सेक्स थेरेपी, कपल काउंसलिंग
एंड काउंसलिंग थेरेपी के द्वारा आपकी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर दिया जाता है, साथ साथ में हर्बल एंड रिसर्च मेडिसिन के द्वारा आपकी समस्याओं को बेहतर कर दिया जाता है ताकि आपकी समस्याएं दूर हो सके और आप पूरे जीवन भर सेक्स का आनंद उठा सके। सेक्स हैज नो एक्सपायरी डेट। अगर आप वृद्ध हैं, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तभी भी आपको सप्ताह में 2 से 3 बार सेक्स करने की आवश्यकता है। यदि आप बेहतर सेक्स करते हैं और सप्ताह में 2 से 3 बार स्खलित होते हैं तो आपके प्रोस्टेट कैंसर का खतरा होना कम हो जाता है, यानी प्रोस्टेट कैंसर से भी आपका सेक्स आपको बचाता है। अगर आपका सेक्स बेहतर होता है तो आपकी कार्डियक एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको सेक्स लाइफ में बेहतर होने की वजह से आपकी पैंक्रियाज का इंसुलिन काफी सेंसिटाइज रहता है और आपको शुगर की बीमारियां नहीं होती। यदि आपको शुगर की बीमारी है तो काफी हद तक शुगर कंट्रोल रहता है। तो सेक्स इज द बोन फॉर द मेल, यानी पुरुषों के लिए सेक्स एक अमृत है। आइए इस अमृत का पान करने के लिए, अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी समस्याओं को त्यागें। आज ही निशा हेल्थ केयर डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप हमसे मिल सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.drmsiddiqui.com सर्च कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839467283 पर कॉल कर सकते हैं और आप अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। निशा हेल्थ केयर आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।